नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बेटर लाइफ में। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि दो ऑथर्स ने मिलकर लिखी है। इन ऑथर्स के नाम हैं बैरी डेवनपोर्ट एंड एस जे स्कॉट और उनके द्वारा लिखी किताब का नाम है डीक्लटर योर माइंड, यानी कि अपने दिमाग से अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स को निकालना। आई एम श्योर आप सभी ऐसा चाहते हैं, है ना? तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की लाजवाब किताब से। डीक्लटर योर माइंड हमें ऐसी आदतें और ऐसे एक्शन सिखाती हैं जिससे हम अपने दिमाग में जो भी क्लटर यानी कचरा है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम जो टाइम परेशान होने में बर्बाद करते हैं उसे एक शांत और खुशहाल जीवन में कैसे बदल सकते हैं। इस बुक को इन दोनों ऑथर्स ने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए एक एक करके इन पार्ट्स को समझते हैं। पहला पार्ट है डीक्लटरिंग योर थॉट्स, यानी अपने थॉट्स को प्योर करना। थॉट्स या विचार क्या हैं? थॉट्स वो बातें हैं जिन्हें हम रियल समझते हैं। ये थॉट्स हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग में मददगार होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थॉट्स आना भी नुकसानदायक है, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स यानी कि बुरे थॉट्स। ये बार बार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अपने दिमाग को डीक्लटर करने के लिए सबसे जरूरी है इन नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करना। पर ये हम करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द बुक डीक्लटर योर माइंड, इसको करने के चार इजी से स्टेप्स हैं। पहला है गहरी सांसें लेना। आपने देखा होगा कि जब भी आप स्ट्रेस्ड या परेशान होते हैं तो आपकी हार्ट बीट और सांसें भी तेज हो जाती हैं। धीमी और गहरी सांसें हमें हमारे दिमाग पर कंट्रोल लाने में मदद करती हैं। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। अब दूसरा तरीका है मेडिटेशन। इसके लिए एक शांत जगह पर बैठ जाइए। बाहर की सभी चीज़ों को इग्नोर करके खुद पर फोकस करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे स्ट्रेस कम हो रहा है और आप पीसफुल हो रहे हैं। 10 मिनट से शुरुआत करें। जानते हैं, कहते हैं कि एक इंसान दिन में लगभग 50,000 थॉट्स अपने दिमाग में लाता है। इसी क्लटर से बचने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली आपको विपश्यना मेडिटेशन रेकमेंड करूंगी, जो आपके थॉट्स को प्योरीफाई करने में मदद भी करता है और आपको काम भी करता है। अब आइए तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को फिर से फ्रेम करना। इसके लिए आपको कड़ी नजर रखनी है। घबराइए नहीं, किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर, खुद के थॉट्स पर। जी हाँ, सही सुना आपने। इनफैक्ट खुद को अपने थॉट्स से अलग समझिए और बस ऑब्जर्व कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ध्यान रखिए, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है। ऑथर्स ने हमें नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है और उस ट्रिक का नाम है द रबर बैंड टेक्निक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, द रबर बैंड टेक्निक। जब भी आपको कोई नेगेटिव थिंकिंग आए तो बस अपने हाथ में एक रबर बैंड लीजिए और उसे जेंटली खींच लीजिए। ऐसा करने से आप फिर से अवेयर हो जाएंगे और उस नेगेटिव थिंकिंग के फ्लो को बंद कर सकेंगे। काम करते करते डिस्ट्रैक्ट होना तो बहुत आम बात है, लेकिन कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस ट्रिक से हमने सीखा। इसका एक और औसम तरीका है, अपने आप को किसी काम में इतना बिजी कर लें कि किसी और चीज के बारे में सोचे ही ना। फाइनली फोर्थ और लास्ट तरीका है अपने दिमाग को नई ट्रिक सिखाना, यानी कि अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, खुद को पॉजिटिव थॉट्स सिखाएं। कोशिश करें अपनी पुरानी जीत को या फिर कोई पॉजिटिव घटना को दोहराने की या उसे याद करने की। अपने संघर्ष से भागे नहीं बल्कि बाहें खोलकर उन्हें एक्सेप्ट करें। ये स्ट्रगल्स ही हैं जो आपको पहले से एक बेहतर इंसान बनाती हैं। अपने आप से पूछिए कि मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। पॉजिटिव एक्टिविटीज जो आपको खुश रखें, जैसे कि आपकी हॉबीज, उन्हें अपने जीवन में लाइए। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह वगैरह। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बुक के ऑथर्स कहते हैं कि आपको खुद के लिए एक वरी टाइमर सेट करना चाहिए। जी हाँ, खुद के लिए 10 से 15 मिनट का वरी टाइमर सेट करें। अपने दिमाग की सभी नेगेटिव थॉट्स को एक डायरी में निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपने थॉट्स को ना सिर्फ प्रोसेस करेंगे बल्कि किसी समाधान या सॉल्यूशन तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये हुई बात
पार्ट वन की, जिसमें हमने सीखा हाउ टू डीक्लटर योर थॉट्स। अब हम बढ़ते हैं बुक के पार्ट टू की तरफ, जो है हाउ टू डीक्लटर योर लाइफ ऑब्लिगेशंस, यानी कि अपने दायित्वों को कैसे डीक्लटर करें। ऑथर्स कहते हैं कि हम इतना बोझ लेकर खुद पर चलते हैं जो कि शायद जरूरी भी नहीं होता, और हम यूं ही परेशान होते रहते हैं। इससे बचने के लिए हमारे पास 4-स्टेप स्ट्रेटजी है। आइए समझते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप है अपनी कोर वैल्यूज यानी कि बुनियादी मूल्यों को समझने का। उन्हें जानिए और उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल दो लिस्ट में बांट लीजिए। अब उन दोनों लिस्ट में से टॉप 5 वैल्यूज चूज कीजिए और उन्हें दो अलग अलग पेपर पर लिख लीजिए। फाइनली हर एक वैल्यू के नीचे लिखिए कि कैसे वो आपकी लाइफ में काम कर रही है और कैसे आपके रूटीन में आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को समझिए, क्योंकि ये आपका टाइम, एनर्जी और मनी को सेव करने में आपकी मदद करता है। ऑथर्स के अनुसार 7 कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिनमें कैरियर, परिवार, शादी, अध्यात्म, सेल्फ डेवलपमेंट, सामाजिक जीवन और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस है। खुद से पूछिए कि आप कितना समय इन सभी प्रायोरिटीज को देते हैं। तीसरा स्टेप है हर 3 महीनों के लिए गोल्स बनाइए। प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहना और फ्यूचर की प्लानिंग करना ही रियल में सक्सेस है। ऐसा हम 3 महीनों के लिए गोल सेट करके कर सकते हैं। इन्हें हम क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स भी कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन के 3 से 4 जरूरी विषयों पर फोकस करिए। फोकस करिए 3 महीने के लक्ष्यों पर और उन्हें हर हफ्ते एनालाइज भी कीजिए और एक टारगेट डेट रखकर अपने टारगेट्स पर एक्शन लीजिए। ध्यान रखिए कि अपने गोल्स को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट कीजिए और जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसको पहले कीजिए। अब 4th स्टेप है अपने लक्ष्यों को अपने पैशन यानी जुनून से जोड़ने का। वो कहते हैं ना, डू व्हाट यू लव, यानी कि या तो आप जिसे प्यार करते हो उसे काम बना लो या फिर जो काम है उसी से प्यार कर लो। ऐसा करने से आपकी लाइफ के सभी एरियाज में सुधार आ सकता है। आप अपनी जिंदगी से प्यार करने लगते हैं। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि उनका पैशन क्या है जिससे उन्हें प्यार करना है, या वो कौन सा काम है जिससे उन्हें प्यार करना चाहिए। एंड गेस व्हाट, ये भी हमें इस किताब में बताया गया है। ऑथर्स कहते हैं कि अपना पैशन ढूंढने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ के सभी एरियाज के लिए अपने विजन्स ढूंढें। जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें नोट कीजिए। अब उनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, उन्हें गहराई से जानिए। इस सर्च में आप कुछ बातें जैसे कि उस फील्ड में काम करने वाले लोग, उनकी इनकम, उनकी ट्रेनिंग और उन्हें कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, ये सारी बातें जानेंगे। अब उन फील्ड्स में कोई वॉलंटियर वर्क या पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करें और धीरे धीरे जो आपको पसंद है उस पैशन तक आप पहुंच जाओगे। क्या आप जानते हैं, ऑनलाइन भी ऐसे बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपको आपका पैशन ढूंढने में मदद कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी 2nd पार्ट की। आइए देखते हैं अब 3rd पार्ट, जिसका नाम है डीक्लटर योर रिलेशनशिप्स। जो लोग हमारे करीबी होते हैं वो हमारी लाइफ में न सिर्फ एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि उनके आसपास होने से हमें भी सुकून मिलता है। एक हाई क्वालिटी रिलेशनशिप के लिए जरूरी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना, खुलकर बात करना, आपसी मतभेदों को सुलझाना, एक दूसरे में विश्वास करना, एक लेवल का इमोशनल अटैचमेंट रखना, एक्सेप्ट करना और फॉरगिव करना, ये सभी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और फाइनली फिजिकल टच भी जरूरी है। अपने रिलेशनशिप्स को डीक्लटर करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, ज्यादा प्रेजेंट में रहिए। जब भी कोई तनाव की स्थिति हो, कोशिश करें कि प्रेजेंट में रहें और ज्यादा इमोशनली रिएक्ट ना करें। ऐसा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी पेशेंस रखकर उनकी बात भी सुने, उनको ऐसा फील होने दें कि आप उन्हें समझ रहे हैं। उसके साथ अपने शब्दों का भी ख्याल रखें और बातों पर जल्दबाजी में रिएक्ट करने से बचें। दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में सहानुभूति या सिंपथी लाने का प्रयास करें। ध्यान रखें, खुद का दूसरों से कंपैरिजन ना करें, खुद को खुले दिल से अपनाएं। जो आप बदल सकते हैं
उसे बदलें और जो नहीं बदल सकते उसके बारे में ना सोचें। हमेशा ग्रेटफुल रहें, यानी कि जो भी आपको मिला है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें। अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें और जो भी आपकी भावनाएं हैं उन्हें समझें। इसको पाने के लिए खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने रखें। दूसरों की हेल्प करने से घबराएं बिल्कुल भी नहीं, खासकर भावनात्मक तौर पर यानी इमोशनली। जब भी उनको आपकी ज़रूरत हो उनको सहारा दें, उनकी बात समझने की कोशिश करें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें समझते हैं। ध्यान रहे, उन्हें इसलिए नहीं सुनना कि उन्हें पलटकर जवाब देना है। ध्यान से पहले उनकी बात सुनें, फिर अपने जवाब को सोचकर बोलें और अंत में ये सब करने के बाद भी कई बार कुछ लोगों से हम तालमेल नहीं बिठा पाते। इस बारे में ऑथर्स लिखते हैं कि इन लोगों को जाने देना ही अच्छा है और लगातार आपकी सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोकना ही बेहतर है। कुछ ऐसे हिंट्स हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे लिए हानिकारक हैं। वो हिंट्स हैं वर्बल, इमोशनल और मेंटल टॉर्चर। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आखिरी पार्ट है हाउ टू डीक्लटर योर सराउंडिंग्स। अपने वातावरण को कैसे शुद्ध करें। हमारा वातावरण हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है। जितना स्वच्छ हमारा वातावरण होगा उतना ही शांत हमारा मन रहेगा। इसे अचीव करने के लिए ऑथर हमें बहुत ही आसान 4 स्टेप्स बताते हैं, आइए देखते हैं। पहला स्टेप है अपने घर को स्वच्छ रखना। रोज कम से कम 10 मिनट निकालें अपने घर को ऑर्डर में लाने के लिए। आपके पास्ट में जो भी चीज आपको परेशान कर रही हो उसे जाने दीजिए, उन चीजों को दूर रख दीजिए। अब दूसरा स्टेप है हमारी डिजिटल लाइफ। क्या आप जानते हैं हमारी डिजिटल लाइफ भी हमारी सराउंडिंग की तरह है। इसको भी स्वच्छ रखना जरूरी है। ऐसा करने के लिए आपकी डिजिटल एक्टिविटीज को मॉनिटर करें। सोचें कि आप डिजिटली टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें कम से कम 10 मिनट निकालना चाहिए अपने ईमेल बॉक्स, आइकन्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और गैर जरूरी चीजों को हटाने के लिए। यहाँ तक कि वो डिजिटल सबैटिकल लेने के लिए भी सलाह देते हैं, यानी कि एक ऐसा पूरा दिन निकालना जिसमें आप पूरी तरह से डिजिटल एसेट से दूर रहेंगे। थर्ड स्टेप है अपने डिस्ट्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करें। डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करते हैं, हमारे मन में खुद के लिए हीन भावना लाते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा सोने से पहले अगले दिन के लिए अपने जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं। अब उन्हें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर लें और हर काम में कितना वक्त लगेगा ये भी डिसाइड कर लें। बस अब आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट डे के सभी कामों को करने के लिए। जब भी आप अपना काम करने के लिए बैठें, अपना डेस्क ऑर्गेनाइज कर लें और जो कुछ भी आपको काम के दौरान चाहिए, जैसे कि टी और कॉफ़ी, नोटपैड, पेन, स्नैक्स वगैरह वगैरह, उन्हें रख लें। काम के दौरान अपने सभी इंटरप्शन से दूर रहें, इंक्लूडिंग आपका फोन। जिन वेबसाइट्स की आपको जरूरत नहीं है उन्हें बंद कर दें। अपने नोटिफिकेशंस बंद करके अपने काम पर ध्यान दें। काम को पूरा करने के लिए 25 मिनट का मैक्सिमम टाइमर लगाएं, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और रेस्ट कर लें। इन शॉर्ट, ब्रेक्स के अलावा लॉन्ग ब्रेक्स लें जिनमें एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें। इससे आपकी थकान भी दूर होगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और अब फिफ्थ स्टेप है अपने काम को सिंप्लीफाई करें, जैसे कि खाना खाना, घर को साफ रखना, एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी आज की बुक डीक्लटरिंग योर माइंड। आई होप आपको आज की बुक पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।